जिस नाइन्थ क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में चैप्टर में ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, रदरफोर्ड के जो एटम का जो मॉडल है उसकी क्या कमियां हैं, क्या ड्रॉबैक्स है उसमें भी। द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं उससे ये आशा नहीं हो सकती कि वो स्टेबल हो, यानी स्थाई हो। चक्कर लगाते रहते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो उसके स्थायित्व की आशा नहीं रखी जा सकती। एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन। कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर ऑर्बिट में हो उसमें कोई ना कोई एक्सीलरेशन होगा। ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, और इस एक्सीलरेशन में जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एनर्जी रेडिएट करेगा। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और इस तरह से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लूज करेगा और अंत में वह न्यूक्लियस में समा जाएगा। इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। और इस तरह से एटम जो है बहुत अनस्टेबल होगा और मैटर जो है जो इस फॉर्म में अपने को दिखाई देता है वो इस रूप में दिखाई नहीं देता। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। हमें पता है कि एटम क्वाइट स्टेबल होता है, स्थाई होता है बिल्कुल। तो ये रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी। अब इन ड्रॉबैक्स को दूर करते हुए नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, वो इस तरह से है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, और रदरफोर्ड के जो मॉडल दिया था एटम का उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए गए, उसमें कमियां बताई गई। नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग। नील्स बोर ने उसको आगे लेके गया। पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। ये फॉलोइंग पोस्टुलेट है नील्स बोर के मॉडल की, एटम के मॉडल की। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। कुछ निश्चित ऑर्बिट्स ही जो जाने जाते हैं वो और इलेक्ट्रॉन्स के वही अलाउ होते हैं एटम के अंदर। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं फिक्स ऑर्बिट में, उसमें वो एक ही ऑर्बिट में अगर चक्कर लगाते रहते हैं तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। दीज ऑर्बिट्स आर और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ये ऑर्बिट और सेल्स वह एनर्जी लेवल कहलाते हैं। दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, उनको ऑर्बिट्स, सेल्स और एनर्जी लेवल बोलते हैं। एनर्जी लेवल्स इन एटम आर शोन इन फिगर। इस फिगर में एनर्जी लेवल एटम के दिखाए गए हैं, जैसे ये फर्स्ट है के, सेकेंड एल, थर्ड एम, फोर्थ एन, इसको 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई लेटर्स के एल एम एन और द नंबर्स 1, 2, 3, 4। ये मैंने बताई दिया अभी आपको। ये था बोर का मॉडल। नेक्स्ट इन न्यूट्रॉन्स। In 1932, James Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of a proton. 1932 में James Chadwick ने एक दूसरे subatomic particle की खोज की जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था और उसका मास जो था वो लगभग प्रोटॉन के इक्वल था। It was eventually named as neutron. उसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया, न्यूट्रल, नो चार्ज, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन जो है सभी एटम के
न्यूक्लियस में पाया जाता है केवल हाइड्रोजन के अलावा। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सभी एटम्स में न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पाया जाता है। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन, ज़्यादातर या सामान्यतः न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इस तरह से जो मास होता है एटम का वो दर्शाया जाता है कि सम ऑफ यानी टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उनका जो प्लस होता है या सम होता है वो मास होता है किसी भी एटम का। हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल्स, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट या सेल्स में कैसे वितरित होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वॉज सजेस्टेड बाई बोर एंड बरी। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट और सेल में एक एटम के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो बोर एंड बरी ने बताया था। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और सेल्स। अब ये जो फॉलोइंग रूल्स है वो बताए गए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल या सेल्स में कितने होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फर्स्ट रूल देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाई द फॉर्मूला 2n². किसी भी सेल में या ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं उसका फार्मूला है 2n², वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स 1, 2, 3। हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स आर एज फॉलोज। अब देखो फर्स्ट में के सेल जिसे अपन बोलते हैं या फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं तो 2 का 2 n स्क्वायर है, n यहाँ पे 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर तो कितना आएगा 2 आएगा। l में 2 का 2 इंटू 2 का स्क्वायर, l मतलब सेकेंड ऑर्बिट है तो n 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8। थर्ड में 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 जा 9, 2 जा 18। और फोर्थ में 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 जा 16, इंटू 2 32। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 मैक्सिमम, सेकेंड में 8, फिर थर्ड में 18 और फोर्थ में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी रिकमेंडेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है किसी भी और एटम के तो उसमें सबसे अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं सबसे बाहर वाले में। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिकमेंडेड इन गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फील्ड, दैट इज द सेल्स आर फील्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर। इलेक्ट्रॉन्स जो है सबसे पहले इनर सेल्स में भरे जाते हैं, इनर सेल पूरा भरा जाता है, उसके बाद में अगले सेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स ऑन इन स्कीमेटिकली इन फिगर 4.4। ये अपने को एटॉमिक स्ट्रक्चर बताए हुए हैं फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के। जैसे ये हाइड्रोजन है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर लिथियम है इसमें लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में। देखो दो ये ब्लैक ये तो न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है। फिर बेरियम में 4 होते हैं, 2 तो फर्स्ट में आ गया, 2 बाहर वाले सेकेंड में। फिर ये बोरॉन है इसमें 5 होते हैं, तो 2 तो फर्स्ट ऑर्बिट में और 3 हो गया सेकंड ऑर्बिट में। इस तरह से ये 18 इलेक्ट्रॉन का दिखाया हुआ है। वैलेंसी, वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट सेल्स ऑर्बिट्स। हमने ये सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर अलग अलग सेल और ऑर्बिट में कैसे व्यवस्थित होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन
जो आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित होते हैं उनको ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फ्रॉम द बोहर बरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट ऑफ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। बोहर बरी स्कीम्स के द्वारा हम बता सकते हैं किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कम्प्लीटली फिल्ड विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स इट वॉज ऑब्जर्व दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कम्प्लीटली फिल्ड विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। ऐसा देखा गया है कि जिन एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम केमिकल एक्टिविटी दर्शाते हैं। इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज जीरो। दूसरे शब्दों में उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी जो है जीरो होती है जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑफ दिस इनर्ट एलिमेंट्स द हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ये जो इनर्ट एलिमेंट है जो केमिकल रिएक्शन नहीं दर्शाते हैं उनमें से हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। और बाकी दूसरे है हीलियम के अलावा इनर्ट जो एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स वॉज दस एक्सप्लेन्ड एज एन अटेम्प्ट टू अटेन ए फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। कंबाइनिंग कैपेसिटी जो एटम्स की होती है एलिमेंट्स के वो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने रिएक्शन से मॉलिक्यूल्स विथ एटम्स और सेम डिफरेंट एलिमेंट्स से रिएक्शन करके कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल करना चाहते हैं यानी बाहर वाले सेल को पूरा भरना चाहते हैं तब वो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी वही होती है। एन आउटर मोस्ट सेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स वॉज सेट टू पोजेस एन ऑक्टेट। जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्टेट, उनका ऑक्टेट पूरा हो गया। एटम्स वुड दस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट सेल। इसलिए एटम रिएक्ट करते हैं ताकि वो ऑक्टेट को पूरा कर ले अपने आउटर मोस्ट सेल में यानी अपने बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना ले या पूरा कर ले। दिस वॉज डन बाई शेयरिंग गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। यह जो है यानी अपने बाहर वाले सेल में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन का शेयर भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं। गेन करना मतलब प्राप्त करना, लूज मतलब खोना और शेयर मतलब साझा करना, तो इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस्ट और शेयर्ड सो एज मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल गिव अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट दैट इज द वैलेंसी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, लॉस्ट करता है या शेयर करता है जिससे कि वो अपने ऑक्टेट को प्राप्त कर ले आउटर मोस्ट सेल में, वो जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उस एलिमेंट की, दैट इज वैलेंसी। वो वैलेंसी भी होती है जिसको हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लिथियम सोडियम एटम्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटर मोस्ट सेल। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन लिथियम सोडियम इन सभी में बाहर वाले सेल में यानी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देयरफॉर ईच वन ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इससे उनमें से प्रत्येक जो है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, खो देता है। सो दे आर सेट टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, इसलिए उनको हम कह सकते हैं कि उनकी वैलेंसी 1 है।
कैन यू टेल व्हाट इज वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, क्या बता सकते हो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? इट इज़ 2 and 3, मैग्नीशियम की 2 होती है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं रेस्पेक्टिवली, बिकॉज मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल एंड एल्यूमिनियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी देन वैलेंसी इज डिटरमाइंड इन अ डिफरेंट वे। अगर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है आउटर मोस्ट सेल में वो उसकी फुल कैपेसिटी में हो तो अब वैलेंसी जो है वो डिटरमाइन करने का तरीका दूसरा होता है। फॉर एग्जाम्पल द फ्लोरिन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल एंड इट्स वैलेंसी कुड बी 7। फ्लोरिन में एग्जाम्पल के लिए फ्लोरिन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या इसकी वैलेंसी 7 होनी चाहिए? बट इट इज ईजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टीड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन के लिए आसान होता है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के स्थान पर। हैंस इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाई सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट एंड दिस गिव्स यू अ वैलेंसी ऑफ 1 फॉर फ्लोरीन वैलेंसी। इसलिए इसकी जो वैलेंसी है उसका डिटरमाइन कैसे करते हैं कि ऑक्टेट में से 7 माइनस कर देते हैं तो इसकी फ्लोरीन की वैलेंसी 1 आ जाएगी। वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन अ सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की भी वैलेंसी भी इसी तरह से निकाली जाती है। व्हाट इज वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट यू गेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आती है जब आप इस तरह से कैलकुलेट करते हो? तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 8 में से माइनस कर देंगे तो 2 आएगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2। देयरफॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज अ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी। इस तरह से एक एटम जो एलिमेंट का एटम होता है उसकी एक निश्चित कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कॉल्ड इट्स वैलेंसी, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी जो किसी भी एलिमेंट के एटम की होती है वो उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज गिवन इन द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 4.1। ये वैलेंसी दी हुई देखो।